हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रस्टेड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसकी रेटिंग की और डाउनलोड की बात करूँ मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम आपने पहले भी बहुत से जो एड देखा होगा, बहुत से नाम सुना होगा, एंजल वन एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको 750 रुपये पर रैपर मिल रहा है और एक रैपर करने का ऑप्शन भी इसमें मिल रहा है। इसमें आपको कोई पैसा लगाना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह इसमें करनी नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप आराम से इसमें घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकती है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। इस वीडियो को देखना है, बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव सेशन करने वाला हूँ कि आप कैसे एंजल वन से आप अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप घर बैठे बैठे बहुत ही इजी तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप रैपर के माध्यम से लाखों की अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मिस मत कर देना। क्योंकि तो गाइस, बहुत से लोग हैं जो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई जो इस एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट, तो क्या वो हमारे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं करेगा? तो बिल्कुल जी नहीं, 1% आपका यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताना। ऐसा अभी तक मैंने जो कोई भी ऐसा फ्रॉड वगैरह नहीं देखा मेरे भाई, और 1 रुपये तक किसी बंदे का विदाउट कोई परमिशन नहीं कटा है, कटेगा भी नहीं। क्योंकि जो एप्लीकेशन है जो सब परमिशन को देता है, सब परमिशन बोलता है, आपको इन्फॉर्म करता है, फिर आपका कोई भी पैसा कटेगा तो आपको पहले बताएगा, उसके बाद ही आपका पैसा कटेगा। विदाउट कोई परमिशन आपका 1 रुपये नहीं कटेगा, और आपका इसमें डॉक्यूमेंट लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पर मौजूद है, और इसमें गूगल पे सब एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर मौजूद होते हैं वो आपके विदाउट कोई परमिशन आपके डाटा लीक नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप बिलीव करो, भरोसा करो। अब जो आपको बता रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा एक लार्जेस्ट एप्लीकेशन है। जब भी कोई जो अपने ट्रेडिंग का नाम सुनते हो ना, जब भी ट्रेडिंग करना है या ब्रोकरेज करना है, तो सबसे पहले अपने इंडिया में ये चीज़ बोला जाता है कि एंजल वन से कोई भी ट्रेडिंग करना है या ब्रोकरेज करना है या कोई भी शेयर खरीदना है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी जो एंजल वन होगी। और बहुत से बड़े लोगों को पूछ देना, आप कोई भी एप्लीकेशन पूछते हैं तो सबसे पहले एंजल वन को आपको रेफर करेगा, एंजल वन ही बताएगा। तो ये एप्लीकेशन इतना लार्जेस्ट है, इतना पॉपुलर है, आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, इस चीज़ को भरोसा करो आप। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आपको बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अब इसमें अकाउंट बनाना भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और बैंक डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। और जो भी आपके जो आधार कार्ड है और आपका बैंक डिटेल आपका नंबर से लिंक होना चाहिए, जो आपके पास में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास में आपके होने चाहिए। क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन होगा तभी आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो पाएगा। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपके लिए घर बैठे बैठे अर्निंग से वीडियो होते हैं। ओके सो गाइस, चलो अब इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाने का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहला काम आपका होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दे रखे हैं, उस लिंक पर क्लिक करना है। सिंपली जैसे लिंक पर क्लिक करोगे इस इंटरफेस पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, फुल नाम दिख रहा है ना, इस बॉक्स में आपको अपना फुल नाम डाल देना है। जैसे मेरा नाम देवेंद्र सिंह है तो पूरा आपको नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके बैंक से और आधार कार्ड से लिंक है और आपके OTP आता हो, वो नंबर डालना है आपको, ठीक है। और यदि OTP नहीं आता है तो एक दिन ध्यान रखें भाई कि आपके उसमें रिचार्ज करवा दें, जो आपका 99 का हो या 48 का हो, वो जो भी हो आप करवा देना। अब सिटी सेलेक्ट कर देना, सिटी आपके यहाँ पे एकदम मैचर नहीं होती है, मैच नहीं हो रही है, तो आप आसपास की कोई भी बड़ी सिटी का नाम डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो OTP आएगा आपके पास में, जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं वो आपके OTP आएगा। तुरंत आपको OTP डालने के बाद आपको डाल देना, नेक्स्ट कर देना। आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो लोगो दिख रहा है इसमें जो कैप्चा लिखा रहा है इस पर कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस जो टिक दिख रहा है ना आई एग्री पे क्लिक करना है, ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे छेड़छाड़ करोगे तो आपकी दिक्कत हो सकती है आगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है। चलो आप ओपन दिस जो अकाउंट है, ओपन एन अकाउंट है, इस पर क्लिक करना है हमें। चलो हमने कर देते हैं, आगे का प्रोसेस आपको आगे बताता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आगे का प्रोसेस भी आता है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। बाई चांस यदि जो कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर देते हो और उसके बाद में ये जो नेटवर्क स्लो या कुछ आपका डाटा वगैरह लीक होता है, तो आपको फिर से नहीं करना है, क्योंकि फिर से आप नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है कंटिन्यू योर एग्जिट एप्लीकेशन। बाई चांस आप आधार कार्ड अपलोड करने के वहाँ सेक्शन से बाहर हो जाते हो, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यू नीचे दिख रहा है ना, इसी लिंक पर आने के बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर आ जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, बैंक डिटेल्स, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको डालनी होगी। आपको जो भी बैंक डिटेल है, आपका जो DOB है वो आपको डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बैंक डिटेल्स में आपको जो भी आपकी है बैंक डिटेल भर देना, उसके बाद AFC कोड वगैरह है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ पर डाल देना। ये सब चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल आपके हिसाब से आप डाल देना, बेसिक चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा जो आपको डिप्ली में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। IFC कोड वगैरह सब आप डाल देना। IFC कोड नहीं पता है तो अपने पासबुक में जाके चेक कर देना कि IFC कोड क्या लिखा रहा है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट करके दिखा देते हैं।
क्योंकि यार इसमें जो IFSC कोड ढूंढने का थोड़ा ज़्यादा झंझट होता है, बट आप पासबुक जैसे ले लोगे ना तो पासबुक में सारा डिटेल लिखी होती है, अकाउंट नंबर, नाम क्या है, अकाउंट पे आपका नंबर क्या आ रहा है, IFSC कोड क्या आ रहा है, ये सब, और ये आपके नंबर भी आपके वहीं दिख जाएंगे, आपके मोबाइल नंबर जो डाले हुए ना वो आपको वहीं भी दिख जाएंगे, आपके पासबुक दिख रही है ना पासबुक में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। देन देखो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री है, मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बोली कि इसमें अकाउंट बनाना बहुत ईजी है और बहुत ही आसान है और बिल्कुल फ्री है। आप प्रोसीड दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, ये जो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भैया इसमें कोई ये लिखा है तो चार्जेस क्या है, ऐसा कोई भी चार्जेज नहीं है भाई, अभी जीरो है, अभी कोई भी इसमें जो चार्ज नहीं लग रहा है, अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेज नहीं है। बाकी जो हाँ 2-3 साल पहले चार्जेज लगता था, वो इसमें अकाउंट ओपन जिसका भी करवा रहे हो तो उसमें कुछ पे करने होते हैं, 99 रुपये हैं, 90 रुपये हैं, 20 रुपये ऐसा कुछ था, बट अभी है जो बिल्कुल फ्री कर दिया है, AMC चार्जेज वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया। बस प्लान की डिटेल चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्लान पे क्लिक करके। बक अब आपको नेक्स्ट करके दिखा देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज़ में, आगे का प्रोसेस आपको आगे बताता हूँ। ओके सो गाइस, जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे आपको KYC वेरीफाई करनी होगी। डिजी लॉकर के थ्रू आपकी एक KYC होगी, इसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं भाई, जो भी आपकी KYC होगी ना वो ऑटोमेटिक होगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ। अब KYC करने के लिए आप बॉक्स पर क्लिक कर देना, और जो आपको नीचे शेयर योर प्रोफाइल दिख रहा है ना इस पर क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक तो ऑप्शन होता है इसमें एंटर योर डिटेल्स मैनुअल होती है, और एक दूसरा होता है आप ऑटोमेटिक आ जाती है कई बार, और आपके फ़ोन में जो पहले से डाटा होता है तो ऑटोमेटिक वो आपके फिलअप हो जाती है, और बाय चांस नहीं होती है तो आप यहाँ पे फिलअप कर देना, कोई भी टेंशन की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपको बेसिक बता दिया डिजी लॉकर का, अभी आपको जो शेयर योर KYC डिटेल्स लिखा है ना नीचे, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर अकाउंट जो अपना आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालने होंगे, उसके बाद आपका OTP आएगा, जो आपके लास्ट के जो नंबर होंगे ना जो आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे ऊपर कि वो नंबर है, OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपको KYC का अपलोड करना होगा। KYC करने के लिए बहुत ही आसान है यार, आधार कार्ड का तो ये आपको नंबर डालने हैं और डायरेक्टली मैसेज आता है, OTP आ जाएगा उस नंबर से जो लिंक है आपके मोबाइल नंबर, वो आ जाएगा, उसके बाद आपको ये KYC कंप्लीट कर देना, जो भी इसमें परमिशन मांगता है अलाउ कर देना। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस चीज़ के लिए आपका डाटा लीक होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहे हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी यार आपका पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे आपका जो आपका एनुअल इनकम क्या है, ये जो अपने क्या काम करते हो प्राइवेट सेक्टर में हो क्या काम, आपका जो अपनी फैमिली में पापा का क्या नाम है, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप आराम से भर देना। ठीक है, और इसमें जो एक और चीज़ भाई, बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि ऑक्टोमैक्स के क्या ये क्या पढ़ना है कि ऑक्टोमैक्स या क्या करते हो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई, आप जो भी कर रहे हो ना, जैसे जो आप स्टडी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना अपने हिसाब से। ठीक है, ये करने के बाद आपको जो अपना फादर नाम डाल देना है, फर्स्ट नाम जो भी है वो यहाँ पे डाल देना, इसके बाद लास्ट नाम जो भी है वो आपको डाल देना। जैसे अपना मेरा नाम जो देवेंद्र सिंह था वो हमने पहले पूरा डाल दिया, बट इसमें जो आपको देवेंद्र अलग डालना है और सिंह अलग डालना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना प्रोसीड पे, अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहला आप मांगा जाएगा पैन कार्ड, पैन कार्ड की एक जो फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करने के बाद इसमें अपलोड कर देना, एक जो वाइट पेपर लेना है बिल्कुल, उस पर सिग्नेचर करने, और जिससे जो आपका जैसे अकाउंट खोल रहे हो ना जिसका आपने आधार कार्ड अपलोड किया है या अपने आपका क्या है, तो या जो अपने बड़े भाई का क्या है जिसका भी आप अकाउंट खोल रहे हो उसके सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में देखो यार भाई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको डालनी डालनी है, बट आप बाद में भी डाल सकते हो, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पैन कार्ड हम डाल देते हैं, पहले पैन कार्ड का डाल के आपको दिखा देते हैं। ओके भाई लोगों, मैंने सारा डिटेल्स डाल दिए हैं, जो अपना पैन कार्ड है वो डाल दिया हमने, अपलोड भी कर दिया फोटो खींच के। अब यहाँ पे आपको जो देखो ये जो आपका आधार कार्ड नंबर है आपको डालना है, सबसे पहला जो आई हेयर बाइल का है ना इस पर टिक कर देना है ना, जैसे आप यहाँ पे NSDL जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉगिन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप जैसे वहाँ प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डालने के बाद जो भी आपका OTP आता है आपको OTP डाल देना, आधार कार्ड नंबर आपको जो दिख रहा है ना आधार पे जो भी आपके आधार कार्ड नंबर है 16 वो डालने के बाद आपको OTP आ जाएगा, OTP आपके मोबाइल नंबर से जो भी लिंक होगा वो आपको OTP यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। आपका सिंपली यहाँ पे ये जो वीडियो KYC होगी ये बहुत ही आसान है भाई, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो KYC में ये होता है कि आपका फोटो मैच किया जाएगा, क्या जो आप सच में आप ही हो या दूसरा का, जो बहुत से लोग होते हैं जो उसके प्रिंटआउट में फोटो खिंचवा के ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये जो वीडियो वेरिफिकेशन होता है ना इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्या आप सच में आप ही अकाउंट खोला रहे हो या कोई दूसरा बंदा है, इससे ये इसके लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब नेक्स्ट जो आपको स्टार्ट जो है जो नीचे लिख रहा है ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, इस पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बाय चांस यहाँ पे परमिशन मांगे तो परमिशन भी दे देना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा जाएगा और जो आपका नाम है वो आपको दिखने को मिल जाएगा,
और आपके एप्लीकेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो अकाउंट है अकाउंट ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो गया है, ऑटोमेटिक सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन का वेट करना है। 2-3 दिन में आपको एक मैसेज आएगा अपनी एंजल वन की कंपनी की तरफ से, 48 घंटा माना जाता है लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कभी है जो 24 घंटे में मिल जाता है, कभी है जो 12 घंटे में मिल जाता है, कभी है जो 8-9 के आसपास भी मिल जाता है, ऐसा फिक्स नहीं है, बट 48 घंटे कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये जो आपको अपना आईडी पासवर्ड मिलेगा और पासवर्ड भी आपको लॉगिन करना होगा। अब आगे का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, बेसिक है। ओके भाई लोगों, जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करवा देंगे ना, जैसे मैंने बताया कि अभी कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आने के बाद 48 घंटे के अंदर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको डियर जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा, यूजर आईडी आपको देखने को मिलेगी और पासवर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर क्या करना है, अब ओपन करने के लिए इसके जो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे जो अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, सिंपल बहुत ही आसान है। प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है कि एंजल वन। जैसे आप एंजल वन को आप ओपन करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल कर देना। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपके आईडी और पासवर्ड मिला है ना, उसको आपको डाल के लॉगिन कर देना है, है ना। आईडी पासवर्ड जो भी आपका वो डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। लॉगिन करोगे जैसे ही, तो आगे का प्रोसेस आपको आगे बताता हूँ कि जो क्या करना आगे है। ओके भाई लोगों, मैंने जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद सिंपली से पहला जो आपका काम रहेगा भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर तीर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे जाकर क्लिक कर देना है। देन बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे देख लेना कि मेरा नाम वगैरह क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है। बाई चांस यदि सही नहीं आता है तो आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स लिख रही है ना, इस पर क्लिक करके आप जो भी बेसिक है आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीका है, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बेसिक बता दिया, ठीक है। अब जितने बंदों को आप रेफर करोगे वो पैसा कहाँ होगा, या रेफर कैसे करना है, या इस एप्लीकेशन से कैसे कमाना है वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक रेफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो रेफर अर्न पर क्लिक करना है। देखो रेफर अर्न पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, शेयर मोर पर क्लिक कर देना, और जितने बंदों को आप शेयर करोगे और डाउनलोड करेगा उनका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, जो आपका व्यू योर है, जो अर्निंग है, या इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, जो भी आपकी अर्निंग होगी, जितने बंदे आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है, क्योंकि जो बाई चांस यहाँ पे जो आपका कोई कोई बंदे डाउनलोड भी करते हैं, कोई बंदे अकाउंट बनाते हैं या नहीं बनाते, बीच में छोड़ देते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाई चांस आपका जो अकाउंट नहीं भी बनाए, या किसी दोस्त का जो अकाउंट बनाना है आपने और कहीं दिक्कत हो रही है, कहाँ पे रोक दिया गया है या कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वो आप हेल्प ले सकते हो, या वो बंदा भी आपकी हेल्प ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम भी आ जाएगा, और जो भी आपका अकाउंट बनेगा सक्सेसफुली तो वो आप सक्सेसफुल दिख जाएगा, पेंडिंग दिखेगा जो भी बाई चांस उसका जो कोई दिक्कत हो रही है, डॉक्यूमेंट में इशू है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पेंडिंग सेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा ये, और उनसे जो आप बात भी कर सकते हो, कॉल से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और आप उनसे भी अर्निंग कर सकते हो। देखो मैंने अभी ये जो अर्निंग की है 300 रुपये की, देखो सामने आपके हैं, लाइव है, 300 रुपये की अर्निंग की है। अब ये अर्निंग का क्या झंझट है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपको वाउचर मिलेगा ना, जैसे आप इसमें जो ये सक्सेसफुल लिखा आ रहा है, देखो मेरे बताऊँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सक्सेसफुली आपको देखेगा अकाउंट सक्सेसफुली लिखा आ रहा है ना, उस पे देखो जैसे आपका ये सक्सेसफुल लिखा आएगा तो वाउचर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नेट की दिक्कत हो रही है मेरे, इसे आपको जल्दी से बता देता हूँ। चलो ये देखो सक्सेसफुली बता रहा है, सक्सेसफुली में यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे आपको एक वाउचर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वाउचर पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, ऑफर एंड रिवार्ड्स अर्न के नीचे की आपको ऑफर रिवार्ड पे क्लिक करना है। देन जैसे आप यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे आपको व्यू रिवॉर्ड्स दिख रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जो भी आपके रिवॉर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रीन पट्टी होगी, उस पर कोई लिखा नहीं होगा, तो उसको स्क्रैच करना है ऐसे, और स्क्रैच जैसे आप यहाँ पे जो स्क्रैच करना है, स्क्रैच करने के बाद आपको उसका 150 रुपये है जो भी उसका बेनिफिट होगा आपको मिल जाएगा, और जो भी आपकी अर्निंग होगी 2 या 3 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे अकाउंट में शो हो जाएगी। देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर सबसे टॉप है एड फंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो भी आपकी अर्निंग होगी वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, है ना। बहुत ही अमेजिंग सा ये ट्रिक, जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर अर्निंग दिखती हैं वो डायरेक्ट विड्रॉ नहीं हो पाएगी, तो आपको क्या करना है, एक और बेसिक तरीका बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो किसी की भी आपकी जो देखो चाहो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो मेरे, क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं भाई, ये जो विड्रॉ नहीं होगी वो नहीं होगी, तो आपको बाई चांस ऐसा दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पे जो एक चल रहा है ग्रीन पट्टी, जिसमें जो आपका इसकी अच्छी रेटिंग चल रही है, ये जो देखो इसमें, देखो इसमें देखो जाके बाय पे क्लिक कर देना। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको जो जो भी आपकी क्वांटिटी है वो आपको डाल देना, 1 है, 2 है, जो भी है,
आप यह जो इसमें प्राइस मिला आप डाल सकते हो कि 100 रुपये का मेरा कितना प्राइस होगा, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे आपको 100 रुपये मिलते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बाय पर क्लिक कर देना और यहाँ पर नेक्स्ट करके आप उसको बाय कर देना। जब आप बाय करोगे तब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो अपना ऑर्डर दिख रहा है इसके पास में देखो, यहाँ पर आपको ऑर्डर पे दिख जाएगा। जो भी आप खरीदोगे ना वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और तुरंत के तुरंत उसको सेल कर देना, आपको बैंक अकाउंट में सीधा सीधा आपका अकाउंट में पहुँच जाएगा पैसा। मैंने जो भी जो ट्रांजेक्शन किया सब आपको देखने को मिल रहा है, जो भी पैसा मैंने कमाया है वो सब आपको यहाँ पे यू ट्रांजेक्शन पे दिख जाएगा। ठीक है, विड्रो करना है जब भी तो विड्रो पे सेक्शन में आके यहाँ पे विड्रो भी कर सकते हो, विड्रो पे क्लिक करना है, देन जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद जो आपको एंटर अमाउंट डाल देना है। जैसे आप डालोगे तुरंत के तुरंत आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं है, झंझट बाजी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं देना है, वो नहीं करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको रैपर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि अर्निंग आपको कमाना है, घर बैठे बैठे अर्निंग करनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इस एप्लीकेशन को रैपर करना है, आपके लिंक से डाउनलोड करेंगे जितने बंदे अकाउंट बनाएंगे आपको पैसा उसका मिलता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन था। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।